बंदूक की नोक पर बदमाशों ने की 40 लाख की लूट। वैगनर कार से आकर तोड़ डाले 3 दुकानों के शटर। कपड़ा लपेट मोबाइल शॉप में आ धमके चोर। अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि बदमाश दिन के उजाले में भी वारदात को अंजाम देने में जरा भी नहीं डरते। ताजा मामला रंजीत नगर से है, जहां बदमाशों ने 40 लाख रुपए लूट लिए हैं। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में पिछले दिनों चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन चोर दुकान और घरों को निशाना बनाकर वारदात को अंजाम देकर बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। ताजा मामला दिल्ली के रोहिणी इलाके का है, जहां चोरों ने एक रात में 3 दुकानों को निशाना बनाया। वही चोरों की यह करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी के गाजियाबाद में मोबाइल शॉप से चोरी का लाइव सीसीटीवी सामने आया है। बीती देर रात चोरों ने इस दुकान से महंगे मोबाइल चोरी कर लिए और आसानी से फरार हो गए। पुलिस मामले की शिकायत लेकर जांच में जुटी है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।